Okay, Bismillah Rahman Rahim. This is your last laboratory, that is the synthesis of soap in laboratory. Now, since this is the topic, when we go for the lipids, then this is actually the lab which is for the lipids. So usme hum lipids ke structures ki analysis karte hain ki how the lipids are formed, what is the structure of the lipid. ठीक है, और साथ ही उसकी जो एक्सटेंशन में आ जाता है दैट इज द सिग्निफिकेशन बिकॉज दैट्स द रिएक्शन ऑफ बेस विद द ऑयल, तो उससे हम सोप की फॉर्मेशन करते हैं. सो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू आवर हेल्थ ऑल्सो, एंड वी नॉर्मली यूज दीज सोप्स to remove germs and other things. And nowadays, you know that the first ever precaution which is announced by the entire world to protect ourselves from corona, that is the you wash your hands thoroughly for 20 seconds, more than 20 seconds, and in this way you can keep yourself safe. Now let's come to the soap. The soaps are made from fats and oils, ठीक है, or their fatty acids. Now, what is the process? So, soap is produced by the process which is known as saponification, ठीक है. Actually, हम hydrolysis करते हैं किसकी? Triglyceride की. So, let me take my pen, okay. So, triglyceride की हम hydrolysis करेंगे, right? और इसमें हम ट्राइग्लिसराइड क्या लेंगे? कोई भी एनी ऑयल यू कैन टेक इट, राइट. सो इन दिस प्रोसेस एक्चुअली व्हाट हैपेंस, दिस ट्राइग्लिसराइड रिएक्ट्स विद द बेस व्हिच इज नॉर्मली वी टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन टेक इट, ठीक है. तो हमारा जब ये रिएक्शन होता है इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस का ऑयल के साथ, तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनता है और साथ ही फैटी एसिड सॉल्ट्स होते हैं. इन फैटी एसिड सॉल्ट्स को फिर हम सॉल्टिंग आउट करते हैं, फिल्टर करते हैं, एंड दे विल कम इन द फ्रंट ऑफ यू एज अ सोप. सो आई हैव ऑल्सो अपलोडेड द लिंक, राइट, एंड द लिंक यू कैन गो एंड यू कैन सी दैट देयर आर ओनली 2 to 3 स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोप्स. अब अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें, अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो दीज आर स्ट्रेट चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सी ओ ओ एच होता है, राइट. अच्छा, कई ये सिंगल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन, दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन एंड दिस इज द hydroxyl group. So when they are both connected, they give to the functional site which is known as carboxyl site. अच्छा, अब ये mono भी होते हैं, di भी होते हैं, यानी कि एक ही structure के अंदर दो COOH groups भी हो सकते हैं. So हम कहते हैं कि ये जो fatty acids होते हैं, एक तो structure इनका straight chain है, दूसरा mono carboxylic acids हैं. इनमें ज़्यादातर जो range होती है carbon की, that is from 10 to 20 carbons. And most often they have the even number of carbon atoms, including the carboxyl carbon. अब कभी ये नहीं हो सकता कि three हो, five हो, even होते हैं, यानी कि two होंगे, four होंगे, six होंगे, and carbon numbers, and that's on. और इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं सैचुरेट, अच्छा अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, यू आर फेमिलियर इन द फॉर्म ऑफ यू नो, वन इज द प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट घी जिसे कहते हैं, ठीक है, और जो आपका ऑयल होता है उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं. सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो जिसमें तमाम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स जो हैं दे आर सिंगल, राइट, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें वन और मोर देन वन के अंदर
डबल बॉन्ड्स होते हैं. इसी तरह एग्जांपल हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो है दैट इज द पैल्मिटिक एसिड. ठीक है, तो ये आप पैल्मिटिक एसिड है, इसके स्ट्रक्चर को आपने लेबोरेटरी के अंदर अच्छी तरह स्टडी करना है फॉर द वाइवा पर्पस. वाइवा में मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप मुझे प्लीज जरा ड्रॉ करके दिखाएं पैल्मिटिक स्ट्रक्चर, या मुझे बताएं क्या पैल्मिटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें वो कितने कार्बन कंपाउंड है. ये आपको जिस वक्त इस परसेप्शन से अगर आपको सोप की लेबोरेटरी आ जाती है टू प्रिपेयर फॉर द वाइवा, तो आपको इतना डेप्थ में इस पेपर को पढ़ना है, राइट. सो फैटी एसिड्स जो हैं दे आर सेल्डम फाउंड एज फ्री मॉलिक्यूल्स इन नेचर, बट मोस्ट ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ अ लार्जर मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड. अब आगे हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है, अच्छा, अब ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होती है? थ्री मेंबर्ड कार्बन चेन होती है जिससे कि हम लेट मी गेट द स्ट्रक्चर. ये अगर हम इस स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ये सिपोनिफिकेशन का रिएक्शन है, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है अगर मैं इसको सिंपल ड्रॉ करूं थोड़ा सा तो इट विल बी लाइक दिस सी. ठीक है, इससे आगे है ओ, राइट, फिर सी, फिर डबल बॉन्ड ओ, राइट, और ये आर. आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है. उसके बाद आप देखेंगे कि अनदर है यहाँ पे स्ट्रक्चर सी और एक और कार्बन है सी. ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, राइट. ये आगे आपका सी एच टू. सी एच टू and this is also CH2. आपको समझ आ रही है ना? स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही हूँ इसका CH2. ये एक आप देखें एस्टर लिंकेज से, दूसरा एक और ग्रुप आएगा यहाँ पे सेम ग्रुप O C डबल बॉन्ड O R, राइट. एक और आएगा इसके साथ क्योंकि ट्राइग्लिसराइड है ना, तो इस सी एच टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ तीन जो हैं वो आपके ये चेन्स आके लगेंगी. इसको हम आर वन कर देते हैं, आर ये डैश हो गया और ये अगेन दिस इज इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देती हूँ, ऊपर जगह नहीं है. अच्छा, अब ये जो इफ़ यू सी के ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी, तो आर इज़ द वेरिएबल. और अगर मैं इसको सिंपल आर रखती इट मीन्स के सेम ग्रुप है, लेकिन मैंने इसमें दिस इज़ द वन डैश एंड दिस इज़ द टू डैश, मीन्स के ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट. तो चेन्स कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. इसका रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है. Now the with the colors you can see that how the things are substituted. अगर हमने इसमें से ये hydrolysis है ना, एक तरह से ये आपका oil है जो आपने oil use किया है. ठीक है, उसमें आपने फिर add किया 30% 20 ml sodium hydroxide. तो ये आपका बीच में से glycerol molecule निकल आएगा, यानी कि ये जो आपका ये C, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है पूरा, इसको आपने बीच में से निकाल देना है. और ये जो R है इसके साथ ये ग्रुप जो है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ, ये जो ऑक्सीजन है ये वाली तीन ऑक्सीजन्स, इनके साथ क्या चीज लग जाएगी? सोडियम, राइट. ये सोडियम, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा टर्न करके दिखाया है. और जो सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड्स हैं वो चले जाएंगे
ठीक है, ग्लिसरॉल बना लेंगे। तो ये ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज अल्कोहल बन जाएगा ना। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ कि अब कैसा होगा, CH2, ये दूसरा CH2, दिस इज द थर्ड CH2, अच्छा अब ये जो है ना आपका स्ट्रक्चर, ऊपर नीचे तो CH2 है लेकिन ये खाली CH होगा, इनके साथ क्या चीज लग जाएगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपने ग्लिसरॉल जो है वो आपने निकाल दिए। Is that clear? इसे कहते हैं ग्लिसरीन, ठीक है, इसे कहते हैं ग्लिसरीन। और ये जो सोडियम सॉल्ट बन गया आपका आगे फैटी एसिड्स का, ये सोप बन जाए, जिसे कि आप सॉल्टिंग आउट करोगे, सॉल्टिंग आउट सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा डालेंगे सो दैट द सॉल्ट में बी प्रेसिपिटेटेड आउट, और फिर आप उसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे। तो अब हम इसको सिंपल रिएक्शन को देखते हैं, ये हमारा सिंपल रिएक्शन है। आप देखें कि ये ग्लिसरॉल मॉल है और ये आगे ट्राइग्लिसराइड है, यहां पर उसने R की वैल्यू जो है वो सेम ली है, R की वैल्यू, ये टू पार्ट्स हैं, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये टू पार्ट्स हैं। आप ऐसे मॉलिक्यूल को चेक करें, ये CH2O ग्लिसरॉल पार्ट है, ठीक है, और इधर जो है वो फैटी एसिड्स। अब जिस वक्त आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि आप तीन मोल्स ले रहे हैं तो तीन हाइड्रोक्सिल लाइंस जो हैं, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आएंगे, राइट। तो तीन हाइड्रोजन जब यहाँ पर हो जाएंगी तो ये मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का सेपरेट हो जाएगा, ग्लिसरीन के तौर पे आपको ये नजर आएगा। और पीछे जो आपके पास ये स्ट्रक्चर रह गया है, ये जाके तीनों सोडियम्स जो हैं वो जाके यहाँ पर सी के साथ यहाँ पर सोडियम जो है वो अटैच हो जाएंगे। ये जैसे सी वाला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन आप देखें, दिस इज ऑल दिस पोर्शन, राइट, दिस इज ऑल दिस पोर्शन, इसके साथ ही तीन आके सोडियम अटैच हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका सोप। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन अकर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग फूड्स कौन से होते हैं। आप डेली प्लीज अपनी डाइट में ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ये दो चीजें मैंने अपनी बेटी के लिए मैंडेटरी की हुई हैं, रात को ये है और दिन में ये है। इसके अलावा क्रैनबेरी जूस जो होता है ये बहुत होता है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको किडनी का कोई मसला हो, यूरिन की प्रॉब्लम हो, किडनी का मसला हो, बाज़ औक़ात इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की थोड़ी सी इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये क्रैनबेरी जूस जो है इसके साशे मिलते हैं, अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन गो फॉर एंड टू एनी फार्मेसी, तो वहाँ से आपको इसको मिल जाएंगे। ये दिन में आप दो साशे अगर यूज कर लें तो यूरिन की, यूटीआई की जिसको भी प्रॉब्लम होगी, इट इज इफेक्टिव। एवोकॉड्स जो हैं, दिस इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान बट इन द हायर डिपार्टमेंटल स्टोर्स लाइक दिस, ये यहाँ पे है, इम्तियाज में है, कारेफोर में है, और इसके अलावा ये मेट्रो में नहीं मुझे नजर आए, हो सकता है जलाल सन्स पे हो, और दूसरा एक और बड़ा है इनका यहाँ पर अलफते, तो यू कैन हैव दिस। तो ये एंटी कैंसरियन जो है इसके अंदर इसका पोटेंशियल है। इसके अलावा आप जौ का दलिया यू कैन यूज़ इन द ब्रेकफास्ट, मैंने इसको बड़ा मतलब यूज़ किया है साल हर साल, इट्स अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। और आलमंड्स जो हैं इसमें विटामिन के
होती है, विच इज यू नो दैट विटामिन के जो होती है वो कैंसर के सेल्स के खिलाफ जो है यानी कि बनने नहीं देती, अगर आप डेली बेसिस पे 4-5 एलमंड्स जो हैं वो अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर 11 फूड्स टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। ओटमील ले लें, आलमंड्स ले लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन सैल्मन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपनी मदर को 1 कैप्सूल ड्यूरिंग द मतलब एट नाइट आफ्टर डिनर इसका ओमेगा 3 का जरूर दें, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। इसके अलावा आप इस डायग्राम को स्टडी कर लें, सो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट विच फूड इज गुड फॉर योर हेल्थ। उसके बाद प्री लैब क्वेश्चंस हैं, डिफाइंस कॉनिफिकेशंस, सोप्स आर मेड फ्रॉम व्हाट, व्हाट इज मेंट बाय ट्राइग्लिसराइड्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग टू एसिड्स, मैंने देखे हैं स्टीरिक एसिड और पैल्मिटिक एसिड। गाइस रिमेंबर के व्हेनेवर यू आर कॉपिंग सम इमेज तो रेफरेंस जरूर दें, अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो आपको जीरो मिलेगा और आपका वर्क विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेजराइज्ड वर्क। और अगर आप हाथ से ड्रॉ करके उन्हें आप पेस्ट स्कैन करके कट एंड पेस्ट कर लें तो दिस इज इक्विवेलेंट गुड। सेफ्टी प्रिकॉशंस में जिस वक्त भी आप लैब में हैं यू हैव टू वेयर द, अब तो खैर हम सर से लेके पैर तक ना पैक्ड ही हैं सारा वक्त। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होता है इसके साथ ऑयल के साथ, इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो इससे बाज़ औक़ात जो है ना वो फ्यूम्स जो हैं वो निकलते हैं जो कि आपकी आइज को डैमेज कर सकते हैं। तो जब कभी भी वेन एवर यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स तो ऑलवेज यूज द गॉगल्स सो दैट यू कैन सेव योर आई। और ग्लव्स तो आपने ज़रूर पहनने हैं, हमें आदत हो गई है। और मेरी तो स्किन देखो मतलब दिस इज ड्यू टू दीज केमिकल्स आई हैव द प्रॉब्लम और काफ़ी प्रसिस्ट कर रही है बिकॉज व्हेन आई डेल्ट विद द केमिकल्स आई डिडंट टेक केयर ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, बगैर ग्लव्स के हम काम कर लेते थे। तो उसका ये है कि अब ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि जो प्रसिस्ट करती हैं वट एवर यू डू वो प्रसिस्ट ही करती हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हैंड्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स, you have to take care of yourself. Saponification ka jo preparation hai wo aapko yahan bahut detail mein likha hua hai lekin you just go see the link which I have given you, it's about 5 minutes you know video, usme aapko pata chal jayega. Uske baad aapke aa jate hain post lab questions, to aap post lab questions kare, last date for the submission is mera khayal hai 14th hai February. So this is all your lab, you know, आपका जो course है that is end. So I hope कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और उसके बाद मैं आपको एक instructions जो हैं वो display करूँगी regarding your Viva and I will make your groups and please go to the week assessment and evaluation. See what the material is uploaded over there for you and you can download the entire lectures. Right, and you can also click to the lab exam in the form of quiz which is given and usko aap jab karenge to 2 hours ki aapki lab hai, 16th ko aapka ye paper hai 11 to 12:50, isi mein hi aapne jo hai wo paper bhi karna hai aur viva bhi dena hai. So guys now this is the you know countdown start ho chuka hai, so focus to your studies, okay, thank you so much.